अमित होम डिजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं घर की एक शानदार डिजाइन, जिसका प्लॉट साइज हमने रखा है 11x85 फिट। इस प्लॉट में हमने बेसमेंट में इसमें एक शॉप दी है और बाकी ऊपर की ओर हमने रूम डिजाइन किए हुए हैं। तो इस वीडियो में इसकी सारी हम डिटेल देने वाले हैं और इसका इंटीरियर डिजाइन भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके बेसमेंट में आप लोगों को ले चलते हैं और दिखाते हैं इसकी डिजाइन इंटीरियर कैसे दी है। तो ये है इसका बेसमेंट, इसे हमने 6 फीट जमीन के नीचे रखा हुआ है और 3 फीट हमने ऊपर की ओर रखा है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आइए इसे जूम करके दिखा देते हैं आप लोगों को हम कि इसमें कितनी हमने व्यवस्थाएं की हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाती है एक शॉप, जिसे आप लोग देख सकते हैं। लगभग 12 फीट की हमें एक शॉप मिल जाती है, ये हमारी शॉप हो जाएगी। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक एंट्री दी है। एंट्री के बाद हमने यहाँ पर एक स्टोर रखा हुआ है, जिसमें आप शॉप का सारा सामान इस स्टोर में रख सकते हैं। उसके बाद हमने एक स्टेयर डिज़ाइन किया, जिससे कि आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं या फिर आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर या फिर बेसमेंट में आ सकते हैं। इसके लिए हमने एंट्री शॉप से भी दी है। और उसके बाद हमने एक टॉयलेट डिज़ाइन किया है, जिसमें आप टॉयलेट इसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और साइड में हमने यहाँ पर बेडरूम डिज़ाइन किया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर एक गैलरी छोड़ी है, जिससे आपको आने जाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इन बेडरूम का साइज़ हमने लगभग में 6 फिट दिया हुआ है, 6 फिट बाई 12 फिट के करीब में है। और ये हमारी किचन हो जाएगी। और सबसे पीछे की ओर हमने एक बेडरूम डिज़ाइन किया है, ये काफ़ी बड़ा बेडरूम रहेगा हमारा, मास्टर बेडरूम इसे बोल सकते हैं। इसका साइज़ लगभग में 14x10 फिट के करीब में रहेगा। और पीछे की ओर हमने 3 फिट का वेंटिलेशन दिया है, इसमें कि आप छत में जाल डालकर इसे प्रॉपर तरीके से इसमें आप वेंटिलेशन ले सकते हैं। तो ये हमारा बेसमेंट का कुछ इस टाइप का डिज़ाइन हो गया। इसे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमने इसमें किस प्रकार से इसे डिज़ाइन किया हुआ है। आइए हम इसके फर्स्ट फ्लोर को दिखा देते हैं कि हमने किस प्रकार से इसे डिज़ाइन किया है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा, इसे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जीना रखा हुआ, जिससे कि आप ऊपर की ओर जा सकते हैं। आगे से एंट्री दी हमने डायरेक्टली और यहाँ पर आप गैलरी में प्रवेश करते हैं। गैलरी का साइज हमारा लगभग में 3 फीट 6 इंच रहेगा। और ये हमने यहाँ पर एक गेस्ट रूम दे दिया है, लगभग में 12 फिट रहेगा, 6x12 फिट ये गेस्ट रूम हो जाएगा। और यहाँ पर एक बेडरूम दिया है हमने। और यहाँ पर स्टेयर डिज़ाइन किया है, जिससे कि आप ग्राउंड फ्लोर पर भी जा सकते हैं और नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। और ये हमने टॉयलेट रखा हुआ सेम। और ये हमारा बेडरूम रहेगा और ये हमारी किचन रहेगी। और पीछे की ओर हमने बेडरूम सेम ही दे दिया है, सेम ही साइज़ का। और पीछे की ओर वेंटिलेशन भी दे दिया हमने। बाकी फ्लोर हमने सेम ही डिज़ाइन किए हैं। तो ये हमारा 11x85 फिट में एक बेस्ट डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। रेलिंग हमने कुछ इस टाइप की डिज़ाइन की है, सिंपल रेलिंग एक घर को बेहतर लुक देती है। आप चाहें तो इसमें एक प्रोफेशनल टाइप की रेलिंग भी लगा सकते हैं। तो आज की डिज़ाइन हमारी आपको कैसी लगी, ये वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से एक अगली नई वीडियो और एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।